पुलिस अधीक्षक ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रिजर्व पुलिस लाइन ललितपुर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी दी। उसके उपरांत देश के लिए अपनी जान न्यौछार करने वाले वीर क्रांतिकारी जवानों की गौरवगाथा के बारे में भी बताया गया। ललितपुर शहर के सभी विभागों में उनसे संबंधित अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में निकाली गई तिरंगा यात्राएं, मुख्य रूप से ललितपुर जिले की एक टीम हथौड़ा ने आजाद चौक से तिरंगे की चादर उठाकर ललितपुर के सूफी संत हजरत बाबा सदन शाह रहमतुल्ला आले की दरगाह पर पेश की और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वहीं ललितपुर प्रेस क्लब में भी किया गया ध्वजारोहण, जिसमें प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बवेले पत्रकारों ने मिलकर ध्वजारोहण किया और मिष्ठान भी वितरण किया। कई संस्थाओं ने अलग अलग जगह पर वृक्षारोपण भी किया। क्या प्रोग्राम आज हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे बाबा सदन शाह रहमतुल्ला अलैह के स्थान पर मदरसा अतहर जमीतुल तालीमुल कुरान पर बाबा सदन शाह की दरगाह तिरंगा झंडा फहराया गया, जहां पर आज़ादी की वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी और जिन जिनका योगदान रहा है उनको याद किया गया। और हम ये कामना करते हैं कि देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे। सरकार से उम्मीद है कि पूरे मुल्क में भाईचारा कायम रहे और साथ ही मुल्क की तरक्की के लिए आज बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई और दुआ मांगी गई कि मुल्क में सभी लोग एक साथ मिलकर रहें, जो शहीदों ने कुर्बानी दी उनकी याद, उनकी खैराज अकीदत पेश करते हुए यह याद किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो कुर्बानी लोगों ने दी है, मिलजुल कर सारी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर जो कुर्बानी दी, उसी तरह हम लोग मुल्क में भाईचारा बना कर रहे, यही हमारा संदेश है, यही हमारा पैगाम है। आपका और ये जो तिरंगा यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे इस मौके पर? मैं हमीद मंसूरी, आज मुस्लिम समाज के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जो है ललितपुर की मुस्लिम समाज ने बढ़कर जो हिस्सा लिया और देश में अमन और भाईचारे के लिए दुआ की। कहाँ से लेकर कहाँ तक चादर दी है? ये आज़ाद चौक से लेकर बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह के दर तक चादर आई, उसमें सभी लोगों ने शिरकत की और अमन का पैगाम पूरे देश को देने का एक प्रयास किया। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये रही कि मुस्लिम समाज द्वारा निकाली गई तिरंगे यात्रा में हिंदू भाइयों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रैली को कामयाब बनाया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ।